हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज मैं आपका नया चैप्टर आरंभ करने जा रहा हूं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण से आपको अपरिचित नहीं है। आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले से भी जानते हैं क्योंकि इसको 9th और 10th क्लास में भी, यहां तक कि आपका 8th क्लास तक भी इसको बताया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हमारे जितने भी मास पार्टिकल हैं उनके बीच में लगने वाला बल होता है। ये मास पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर पिंड है इन सब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो हालांकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका था, लेकिन न्यूटन ने केपलर के नियम और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनके नियमों का अध्ययन किया और उससे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम निकाला जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और एक सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों के लिए लागू होता है, चाहे पिंड कितने भी दूर हों चाहे कितने भी निकट हों, उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और यही एक बल है जो हमें पृथ्वी पर बनाए रखता है और इसी बल के कारण हमारा जो पूरा जो वायुमंडल है वो भी इसी कारण बना हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ कोई गैस नहीं होती, कोई भी जीवधारी नहीं होता, यहाँ बिल्कुल शून्य स्थान होता। तो किसी ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल को होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अभी तक आपने सिर्फ इसका, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे फर्स्ट चैप्टर में भी आपको इसके बारे में बताया था, वहां पर भी मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बताया था। वही फॉर्मूला ये न्यूटन ने ही दिया था, इसीलिए उसी के नाम पर हम इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के बीच
कणों की द्रव्यमान के गुणनफल समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहां से लेकर के और यहां तक ये है गुरुत्वाकर्षण। ये तो उसने सामान्य नियम दिया था कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी कण होते हैं वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास यहां पर दो कण हैं, एक कण ये है और दूसरा कण इस तरीके से, इनके बीच की दूरी r के बराबर, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी ये r के बराबर है। तो ये कण a और ये b, तो इनके बीच में जो बल होगा वो किस तरीके से होगा F। तो क्या है कि भाई कण a कण b को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये बल है, और कण b कण ए को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये इस तरीके से, यानी ये कण इसको आकर्षित करेगा तो यूं, और ये कण बी कण ए कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये दिशा इस तरीके से हो, यानी जो आकर्षित करता है उसकी तरफ ही इसकी दिशा होती है। दो तो इनिशियल फोर्स होते हैं, एक दूसरे पर आरोपित करते हैं दो ये कण। तो बल एफ समानुपाती m1 into m2 दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और f समानुपाती 1/r² दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो स्टेटमेंट हो गए, अपन दोनों स्टेटमेंटों को मिला देते हैं तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, f समानुपाती m1 into m2 अपॉन और ये F इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R2, जहां जी एक नेतांक है जिसको हम सार्वत्रिक वृद्धि नेतांक कहते हैं। मानस सिंह इस बात को व्यक्त करता है कि ये एक आकर्षण बल होता है। तो ऋण चिन्ह आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, इसमें जी नेतांक होते हैं
जहां जी इक्वल टू सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियता। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, यानी कहीं भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कहीं चले जाओ जी का मान इसमें एक ही होगा, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। और इस जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आप देखते हैं इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, आर कैप एक अंश सदिश, तो आप इसमें देख रहे हैं। मैंने आपको इसमें लिखाया था कि जो बल की दिशा होती है वो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो ये ए बी दो कण है और इनको मिलाने वाली रेखा ए बी है, तो इस ए बी के अनुदिश ही ये बल काम कर रहा है, इससे अटकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बल इधर की तरफ काम करे, नीचे की तरफ काम करे, ऊपर की तरफ काम करे, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये हमेशा उन कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। या हम इस एफ को लिख सकते हैं माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये है आपका सदिश आर अपॉन आर। आर इसमें क्या चीज, इसमें परमाणु को व्यक्त करता है वही, तो आर कैप इक्वल टू सदिश आर अपॉन आर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस जी एम वन एम टू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये आर स्क्वायर इंटू आर, ये आपका आर क्यूब बन जाता है। हम इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। अब सामान्यतः कई पुस्तकों के अंदर क्या होता है, इसमें माइनस चिन्ह नहीं दिया होता है, सीधा ही लिख देते हैं जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस समय हम माइनस चिन्ह का काउंट नहीं करते, वहां सीधा ही फॉर्मूला इसके अंदर ले लिया जाता है। तो ये बल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, बल ऋणात्मक होता है, इसलिए दूरी के साथ परिवर्तन का इसका आलेख इसमें देख सकते हैं। और इस फॉर्मूले में आप ये भी देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल द्रव्यमान और कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बल एफ की निर्भरता किस किस पर निर्भर करता है, नंबर एक कणों के द्रव्यमान, कणों के द्रव्यमान में जैसे मैंने आपको बताई थी अभी एफ समानुपाती एम वन एम टू एम टू, तो कण जितने भारी होते हैं, जितने इनके साइज बड़ा होता है, जितने की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस बल का मान उतना ही अधिक होता है। तो भारी कणों के बीच इस बल का मान बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी इसकी निर्भरता होती है बल एफ कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो दूरी पर कैसे निर्भर करता है, एफ समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। तो अगर हम इसका हम यहां पर ग्राफ देखें, मान लो कि यहां पर हम एफ ले लेते हैं
और ये आग ले लेते हैं, ये इसका ओरिजिन होता है, तो ये इस तरीके से होगा एफ प्रोपोर्शनल 1/r। तो आप देख रहे हैं कि दूरी जितनी तेजी से बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से इसके बल का मान घटता है। आप इसे देख सकते हैं, अगर दूरी का मान हम इसमें आधा कर दें तो इसका जो बल होता है वो 1/4 रह जाता है, और सॉरी दूरी को अगर दोगुना कर दें तो ये बल 1/4 रह जाएगा, 3 गुना कर दें तो 1/9 रह जाएगा, और अगर इसकी दूरी को हम 4 गुना कर दें तो ये बल का मान 1/16 हो जाएगा। तो बल का मान बहुत तेजी से डाउन होता है, इसलिए जो ये वक्र होता है वो काफी शार्प होता है। और यहां पर एक और हम इसमें वक्र ड्रॉ कर दें एफ 0 और यहां ले लें 1/r² इस तरीके से, तो 1/r² हम ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी रेखा होगी इस तरीके से, तो ये एफ प्रोपोर्शनल 1/r². तो जो बल जो एफ होता है वो कणों के द्रव्यमान और उनकी दूरी पर निर्भर करता है, साथ में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है। अब इसमें मैंने जी का मान बता दिया, अब इसमें आपको जो जी का परिभाषा वगैरह और इसके हम इसमें देख सकते हैं, जी की परिभाषा। परिभाषा के लिए क्या करें भाई, अपने पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू, अब मैं यहां पर मानसिक नहीं लिखूंगा इसके अंदर क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है, हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं इसके अंदर m1 m2 / r² में मानसिक को हटा दिया है इसमें से, यदि m1 = m2 = 1 kg और r = 1 meter तो f = g। तो हम इसकी कैसे परिभाषा करेंगे, इसमें ये जो एक एक किलोग्राम के पिंड है इनके बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर है, तो जो भी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वो गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं गुरुत्वीय नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक एक किलोग्राम के पिंडों के बीच कार्य करे। गुरुत्वीय नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे एक एक किलोग्राम के पिंडों के बीच कार्य करें। गुरुत्वीय नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे एक एक किलोग्राम के पिंडों के बीच कार्य करें। इसका गणितीय सूत्र दे सकते हैं, यही से हम इसमें निकाल लें g = f (r²/m1)(m2)। f इसमें बल होता है
तो बल का भी ये सूत्र होता है भाई एम वन एल वन और टी माइनस टू, ये इसमें दूरी है इसलिए एल स्क्वायर, और ये इसमें दोनों द्रव्यमान है इसलिए एम वन इंटू एम वन। इसमें क्या करेंगे, ये जो एम वन है इससे कम होंगे, इसको हम काट दे, ये एम वन ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो G इक्वल टू एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि द्रव्यमान भी लंबाई और समय तीनों ही इसके अंदर आती हैं। और वृत्तीय निर्देशांक का मान सर्वत्र ब्रह्मांड के अंदर हर जगह पर इसका मान समान होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं आपको इसके वृत्तीय बल की विशेषताएं आपको कुछ बता रहा हूं, वो आप इसमें देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता, विशेषता इसमें क्या क्या है, पहली पहली है यह प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है। यह प्रकृति का सबसे दुर्बल वीकेस्ट फोर्स है। नंबर टू, यह प्रकृति का मौलिक बल, फंडामेंटल फोर्स। तो मौलिक में बोल रहे थे सब जगह लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर लागू होता है, कोई भी कण, यानी जैसे यहां से पृथ्वी से सूर्य की दूरी है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। जितने भी पिंड आकाश के अंदर आप देखते हो सबके अंदर आपस में ये बल काम करता है। अब आप छोटे कणों की बात करें या परमाणु अणु होते हैं उनमें भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहां तक कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यह बल कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है भी एफ समानुपाती एम वन इंटू एम टू होता है। यह बल कणों के बीच दूरी पर निर्भर करता है। तो F समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। तो अगर मान लो कि आपको दो कणों के बीच में निकालना हो तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं F1 समानुपाती 1 upon R1 square और F2 समानुपाती 1 upon R2 square। तो एक फॉर्मूला दो बलों के लिए इसमें आ सकता है यहां से दूरी के साथ F1 upon F2 equal to
आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर. सो एफ टू इक्वल टू एफ वन इन टू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर. तो आप इसे ये निकाल सकते हैं अगर कणों के बीच में दूरी बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है. या इस बल का परास बहुत अधिक होता है. यानी लॉन्ग रेंज का बल है भाई तो नाभिकीय दूरी से लेकर कई हजार किलोमीटर तक परास होती है. यानी कि एक दीर्घ परास बल है कोई दीर्घ परास बल. और छठवां इसका जो ये जो बल होता है वो कणों के बीच माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है. माध्यम चाहे कोई सा भी हो अगर आप एक दो कणों के बीच में कोई द्रव रख देते हैं या उसमें गैस रख देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. गुरुत्वाकर्षण बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है. माध्यम कोई सा भी हो द्रव हो अथवा गैस हो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी गुरुत्वाकर्षण बल की. तो ये कहो कि बहुत ही अच्छा ये सबसे फंडामेंटल लॉ है सबसे बिगेस्ट फोर्स है जो ये. तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.